हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के 15th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज़ के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन रोज़ बॉल में, और ये मुकाबला होगा 10 जून की दोपहर 3 बजे भारतीय समय अनुसार। तो आइए, जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की गेंदबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास कंगिसो रवाडा, लुंगी नगीडी, मुझे लगता है लुंगी नगीडी इस मैच के लिए फिट हो जाएंगे, और उनके पास एंडन फ्लकवायो, क्रिस मॉरिस, इमरान ताहिर और तबरे शमशी जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास ओशेन थॉमस, शेल्डन कॉट्रोल, आंद्रे रसल, जेसन होल्डर के रूप में गेंदबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो मुझे तो गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 55 दूंगा साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को और 45 दूंगा वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की बल्लेबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास द ग्रेट क्रिस्टोफर हेनरी गेल, आंद्रे रसल, डैरन ब्रावो जैसे खतरनाक और शाई होप जैसे खतरनाक ओपनर है दोस्तों। तो इनकी बल्लेबाजी तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि इनकी बल्लेबाजी में काफ़ी पावर हीटर्स है दोस्तों, और जैसे शिम हेटमायर, निकोलस पूरन के रूप में भी मिडल ऑर्डर इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे इनकी बल्लेबाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। अब अगर मैं साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी में डालूँ तो उनके पास क्लिंटन डी कॉक, एंडन मक्रम, हाशिम अमला, डेविड मिलर, जेपी डुमनी और ब्रुआ हेनरिक्स के रूप में बल्लेबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो भले ही गेंदबाजी में साउथ अफ्रीका का पल्ला भारी हो, पर बल्लेबाजी में तो मुझे वेस्ट इंडीज़ का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 60 दूंगा वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी को और 40 दूंगा साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। उससे पहले दोस्तों मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी तक इस टूर्नामेंट में 13 मैच हो चुके हैं, तो 13 मैच में से मेरे 9 मैच सही हुए हैं, 4 मैच गलत हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने जैसे मेरे साथ सपोर्ट बना रखा है तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ये आगे भी इस वर्ल्ड कप में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, सारे आपके लॉस कवर हो जाएंगे। और अभी तक जो मेरे रिपोर्ट चल रही है वो 13 मैचों में से मैंने 9 मैच पास दिए हैं और 4 मैच फेल। तो दोस्तों ये मैच की अगर मैं बात करूँ तो ये मैच जो है मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका जीतेगी। साउथ अफ्रीका ये जो अपना वर्ल्ड कप में हार का सिलसिला है, 3 मैच जो लगातार साउथ अफ्रीका हार चुकी है, वो हार का सिलसिला तोड़ेगी और वेस्ट इंडीज़ टीम को हराएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो करीबन 52% चांसेस है साउथ अफ्रीका के मैच जीतने के और करीबन 48% चांसेस है विंडीज़ टीम के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जो मैच है बहुत ही क्लोज होगा, बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश होगा। तो अगर जिसको लगता है ये मैच साउथ अफ्रीका नहीं वेस्ट इंडीज़ जीतेगी तो आप वेस्ट इंडीज़ के साथ जा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।